हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं अंशु कुमार सिंह लेकर आया हूँ हेल्पिंग वर्ब्स का ये पार्ट टू। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था यूज़ ऑफ इज एम आर वाज वर, लेकिन आज यानी पार्ट टू में हम लोगों को सीखना है यूज़ ऑफ हैज़ हैव एंड हैड। फिर अगले पार्ट में हमें सीखना है डू डस डिड और भी जितने हैं उन सबको हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ यही तीन पे चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि हैज़ एंड हैव ये प्रेजेंट फॉर्म होता है और हैड ये होता है पास्ट फॉर्म, यानी कि हैड का उपयोग हम पास्ट में करते हैं और हैज़ एंड हैव का प्रयोग प्रेजेंट के लिए करते हैं। एक्चुअली में हैज़ हैव का ही एक रूप होता है जिसे हम टी पी एस यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ उपयोग किया जाता है इस हैज़ को। और हैड जो है ये पास्ट में सभी पर्सन के साथ आते हैं, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इन तीनों के साथ हैड का प्रयोग होता है। इसका हम आगे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, हैव हैज़ एंड हैड इनका उपयोग हम अधिकार यानी पोजिशन बताने के लिए करते हैं। अधिकार से मतलब है जैसे अगर कहते हैं हम कि ये कलम हमारा है, ये कलम मेरी है, तो इसे पता चलता है ये कलम पे आपका अधिकार है, इस कलम पर आपका अधिकार है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम हैव हैज़ या हैड का उपयोग किसी चीज़ पे मालिकाना हक जताने के लिए करते हैं। मालिकाना हक मतलब वो चीज़ आपका है, इसके लिए हम हैव हैज़ या हैड का उपयोग करते हैं। अगर वर्तमान में वो आपका है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैव या हैज़, और पहले यानी कि पास्ट में आपका था तो उसके लिए हैड का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ, मेरे पास कार है, यानी आपके पास अभी कार है, तो इसके लिए करेंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मेरी एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। इन तीनों सेंटेंस में हम क्या देखते हैं, ये जो तीन के तीन सेंटेंसेस हैं इससे पता चलता है कि कार किसकी है, मेरी, यानी इस कार पे मेरा हक है, कलम पे मेरा ही हक है, यह भाई किसका है तो मेरा है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा कोई भी चीज़ जिस पे आपका हक हो उसके लिए हम हैज़ ए हैव का उपयोग करते हैं। ये तो हमने अभी देखा हैव कहाँ लगता है, अब बात करेंगे हैज़ का। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव के जगह हैज़ का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही सी इट या किसी भी नाम के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर, उसके पास एक कार है या उसे एक कार है, दोनों एक ही सेंटेंस है, उसके यानी ये थर्ड पर्सन हुआ तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ही। चूँकि थर्ड पर्सन टी पी एस सिंगुलर है इसलिए ही हैज़ अ कार, उसे एक कलम है, उसे एक कलम है, उसे के लिए ही आ गया और हो चुकी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम यूज करेंगे हैज़ का अ पेन, ही हैज़ अ पेन, उसे एक कलम है। स्टूडेंट्स, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज़ लगेगा, इसे क्लियर करने के लिए मैं एक चार्ट बनाया हूँ, मैं एक टेबल बनाया हूँ जिसमें अभी मैं दिखाता हूँ। ये रहा आपका टेबल, यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्सन सिंगुलर प्लूरल, पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आप लोग जानते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर्स आर कॉल्ड फर्स्ट एंड लिसनर्स आर कॉल्ड सेकेंड पर्सन एंड द पर्सन अबाउट वी टॉक दैट कॉल थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई बोलने वाला आई, आई के साथ क्या लगाना है, हैव, और आई का प्लूरल होता है, आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी, वी के साथ भी हैव, प्लूरल किसी का हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड, सबके साथ हैव ही लगेगा। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई, उसका प्लूरल वी, सबके साथ हैव लगेगा। सेकंड पर्सन यू, इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल भी यू ही होता है, दोनों के साथ हमें हैव ही लगाना है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में जैसा मैं भी आपको बताया ही सी इट दिस दैट और एनी नेम, एनी नेम मीन्स किसी आदमी का नाम हो सकता है, इन सबके साथ हम हैज़ लगाते हैं। थर्ड पर्सन में हैज़ लगाते हैं, ध्यान रखना है वो सिंगुलर, क्योंकि दे भी थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म दे, दे के साथ क्या लगेगा, हैव, प्लूरल चाहे किसी भी पर्सन का हो वो उसके साथ हैव ही लगेगा। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हैव, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर हैव, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में लगेगा हैज़।
जैसे मैं सेकेंड पर्सन का सिंगुलर लेता हूँ, तुम्हारे पास एक बड़ा मकान है, तुम्हारे, ये वो आ गया सेकेंड पर्सन, क्या लगेगा? तुम्हारे पास, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैव, सिंगुलर या प्लुरल, इसमें हैव भी लगेगा, तो बनेगा यू हैव अ बिग हाउस। तो ये हमने सीखा हैव और हैज़ का उपयोग। अब हम जानेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस में हम थे अभी, मेरे पास अभी है, तुम्हारे पास एक बड़ा मकान है मीन्स प्रेजेंट, लेकिन अब हम बात करेंगे हैड यानी पास्ट में। तो पास्ट कैसे बनता है, हैड कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। तो जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि हैव, हैज़ एंड हैड, इनका उपयोग हम लोग अधिकार बताने के लिए करते हैं। हैव हैज़ का था प्रेजेंट में अधिकार बताने के लिए, और हैड का उपयोग करेंगे पास्ट में अधिकार बताने के लिए। जैसे अधिकार बताने के लिए पास्ट टेंस में सभी पर्सन के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। इसे ध्यान से पढ़े और याद भी कर लेना है कि यहाँ पर क्या था कि फर्स्ट के साथ हैव, सेकेंड के साथ हैव, थर्ड के साथ हैज़, लेकिन हैड के केस में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिंगुलर हो या प्लुरल, सब में आपको हैड ही लगाना है। तो ये इससे कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक घड़ी थी, थी मतलब अभी है नहीं, पास्ट में थी कभी, जब पोजीशन बता रहे हैं आप, अधिकार बताया जा रहा है कि ये घड़ी आपकी थी पास्ट में, पोजीशन बताया जा रहा है पास्ट का है, तो हमें हैड यूज़ करना है, मेरे, आई। हमें यहाँ ध्यान नहीं देना है कि फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, क्योंकि सबके साथ हमें हैड ही लगाना है। तो आई हैड अ वॉच। मेरे पास एक कलम थी, मेरे पास, तो आई हैड अ पेन। उसके पास एक घड़ी थी, ये है थर्ड पर्सन का सिंगुलर, उसके यानी ही हैड अ वॉच, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ही हैड अ वॉच। स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा हैव, हैज एंड हैड का यूज़ तो सीखे, लेकिन ये था हमारा पोजीशन बताने के लिए। लेकिन जब इसको यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में करते हैं, मीन्स व्हेन वी यूज़ हैव, हैज़ एंड हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो इसका क्या रोल होता है, ध्यान देना है। हैव, हैज़, हैड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो ये बनाता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या, कौन सा टेंस बनाता है, परफेक्ट टेंस। जब हैव, हैज़, हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह उपयोग होता है तो वह परफेक्ट टेंस बनाने में मदद करता है। अब परफेक्ट टेंस होता क्या है, ये भी हम अभी जानेंगे। यह बताने के लिए कि कोई काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो कोई काम हो चुका है यह बताने के लिए, और कोई काम हो चुका था ये भी बताने के लिए। तो चूंकि कोई काम हो चुका है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो जैसा मैं बताया अभी हैव, हैज़ ये प्रेजेंट बताता है, तो जब कोई काम हो चुका है तो उसके लिए हम हैज़ या हैव का उपयोग करेंगे, इनका उपयोग करेंगे, ये होता है प्रेजेंट। चूंकि ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है इसलिए परफेक्ट टेंस तो होगा ही। प्रेजेंट क्यों बना, क्योंकि कोई काम हो चुका है, प्रेजेंट में बात कर रहा है। लेकिन जब हम पास्ट में बात करेंगे, अगर कोई काम हो चुका था पास्ट में अगर कोई काम हो चुका था तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई काम हो चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई काम हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव या हैज यूज करते हैं, और पास्ट में करते हैं हैड, या ऐसे समझ सकते हैं हैव, है, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई भी रहेगा, अब प्लस भी थी यानी वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, तो हम समझ लेंगे कि वो कौन सा टेंस है, तो परफेक्ट टेंस है। ये दोनों रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगर ये और ये रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि भी प्लस थ्री तो रहेगा ही, प्लस भी थ्री रहेगा, हैव हैज रहेगा तो प्रेजेंट टेंस, और हैड प्लस भी थ्री रहेगा तो पास्ट टेंस, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज एंड हैड का यूज़ कैसे होता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स है। वह पत्र लिख लिया है, वह पत्र लिख लिया है यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में। वह पत्र लिख चुका है, इसे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही हैज़ रिटन अ लेटर। मैंने बताया था कोई काम कर चुका है या कर चुका था, यानी कर लिया है या कर लिया था, लिया है तो प्रेजेंट टेंस, लिया था तो पास्ट टेंस। तो यहाँ पे है का बात हो रहा है इसलिए हैज़ या हैव का उपयोग करेंगे, चूँकि थर्ड पर्सन इसलिए हैज़ आएगा इसके साथ, हैव नहीं आएगा। वह पत्र लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। वह पत्र लिख लिया है, यहाँ भी आएगा, इसके लिए भी आएगा, ही हैज़ रिटन अ लेटर फुल स्टॉप। आप एक पत्र लिख चुके हैं, कोई काम कर चुका है प्रेजेंट में, आप सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। पिछले आप टेबल में मैंने बताया था
आप यानी ईव, ईव के साथ हैव लगेगा, तो ईव हैव रिटन अ लेटर, आप एक पत्र लिख चुके हैं, ईव हैव रिटन अ लेटर। और वी थ्री, यहाँ पे एक चीज़ समझना है, रिटन रिटन होता है वी थ्री, किसका होता है राइट का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट रोट रिटन गो वेंट गॉन डू डिड डन। तो ये समझने के लिए हैज़ और हैव एक्सिलरी फॉर्म यूज़ करने के लिए आपको ऐसे कुछ फॉर्म्स याद करने होंगे, वी वन वी टू वी थ्री, यानी कुछ वर्ब का वी थ्री का वी थ्री जो है आपको याद कर लेना होगा, 15, 20, 25, 30 इतना कुछ याद आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर ये हैज़ और हैव का आप उपयोग कर पाएंगे सेंटेंस के माध्यम से। यानी अब हम कह सकते हैं कि हैज़ हैव प्लस वी थ्री ये क्या बनाता है, तो PPT यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हैड प्लस वी थ्री हो, इसका तो एग्जांपल हम अभी नहीं देखे हैं, नीचे देखेंगे अभी, हैड प्लस वी थ्री अगर आएगा तो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई आपसे पूछ दे ही हैज़ रिटन अ लेटर, ये कौन सा टेंस बना रहा है, एक्सिलरी वर्ब चेक करना है, हैज़ हैव प्लस वी थ्री है तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करेंगे हैड प्लस वी थ्री इसमें कैसे बनता है, कुछ एग्जांपल्स हैं, वह पहले ही खा चुके थे, वह पहले ही खा चुके थे, मैं बताया था चुका है या चुके, चुका था आ गया, वह पहले ही खा चुका था, तो ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। वह यानी ही के साथ सब में इसमें हैड ही लगता है, तो ही हैड पहले ही के लिए आएगा, ऑलरेडी इट का भी थ्री होता है इटन, ही हैड ऑलरेडी इटन, वह पहले ही जा चुके थे, वह ही के साथ आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया यहाँ पे हैड, पहले ही के लिए आ जाएगा, ऑलरेडी अजाना का होता है गो और गो का गॉन, ही हैड ऑलरेडी गॉन। स्टूडेंट्स अभी हमने ये जो भी सेंटेंस देखे ये था अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक, अब ये सब हाँ वाला था, वह पहले ही खा चुका था। अब ये कहेंगे जैसे वह पत्र लिख लिया है, अब कहेंगे वह पत्र नहीं लिखा है, इसके लिए कैसे मन, मतलब उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसमें हैव हैज़ हैड का, तो यहाँ पे बताया क्या गया है नकारात्मक यानी नेगेटिव, वाक्य सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मतलब हुआ हैज़ हैव एंड हैड के बाद नॉट लगाकर बनाते हैं, यानी कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो जो भी सहायक क्रिया हैज़ हैव हैड इसके बाद नॉट लगेगा। मैं बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट पार्ट में ही बता चुका था, नेगेटिव बनाने के लिए एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट लगाया जाता है। जैसे कि मैं सेंटेंस लेता हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब क्या है, हैव, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब हैव है, तो इसमें हैव प्लस नॉट कर देंगे, नेगेटिव बनाना है तो एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, तो आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, हैव प्लस नॉट इसका होता है लघु रूप होता है यानी शॉर्ट फॉर्म होता है हैवंट, आई हैवंट रिटन अ लेटर। जैसे एक और एग्जांपल है, यह है पास्ट का, हैड है यानी पास्ट होगा, हैड प्लस वी थ्री पास्ट परफेक्ट टेंस, दे हैड रिटन अ लेटर, दे हैड रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब कहाँ आया, हैड, तो हैड प्लस नॉट करना है, दे हैडंट रिटन अ लेटर, दे हैडंट यह है शॉर्ट फॉर्म हैड प्लस नॉट का, दे हैड नॉट रिटन अ लेटर। ठीक इसी तरह से जैसे अभी अफर्मेटिव बनाए नेगेटिव बनाए, ठीक इसी तरह से बनेगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनता है, इसमें क्या रोल है, एक्सिलरी वर्ब कैसे इधर से उधर करते हैं, तो इसका देखिए, प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया मतलब हैज़ हैव हैड को वाक्य के पहले लाते हैं, वाक्य के पहले कहने का मतलब शुरू में वाक्य लिखते हैं ना, तो शुरू हम लोग ही करेंगे हैव हैज़ या हैड जो भी उसमें एक्सिलरी वर्ब होगा उससे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिया, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर, हैव प्लस वी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पता चल गया। अब इसे हमें कहा जा रहा है कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इसका इंटरोगेटिव, तो हैव को पहले कर देना है, हैव उसके बाद आई रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर, ठीक उसी तरह से पास्ट में देखेंगे, दे हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर, वे पहले ही एक पत्र लिख चुके थे, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव मतलब हाँ वाली। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव कैसे बनता है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सिलरी वर्ब को पहले कर, एक्सिलरी वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यहाँ पर हैड है, तो हम हैड को यहाँ पे पहले कर देंगे, दे से पहले, सब्जेक्ट के पहले लाना है मुझे, इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले क्या लाना होता है, एक्सिलरी वर्ब को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे के पहले हैड, हैड दे ऑलरेडी रिटन अ लेटर, बोलेंगे कैसे, हैड दे ऑलरेडी रिटन अ लेटर, हैड दे ऑलरेडी रिटन अ लेटर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का हैव हैज़ एंड हैड का यूज़ एज
ऑक्सिलरी वर्ब, और इसी में हमने सीखा पोजेशन बताने के लिए यानी अधिकार बताने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, यानी इसमें हमने सीखा कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और पोजेशन के रूप में हैव, हैज, हैड कैसे यूज किया जाता है। मैं आप लोगों की आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे थे तो इस वीडियो को फिर से देखें और अपने कॉपी में इसे नोट कर लें और बाद में इसे रिवाइज भी करें। अब बाकी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।